हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा पानी पकौड़ा। इसको आप बड़ा पकौड़ा भी बोल सकते हैं। ये मूंग दाल और उड़द दाल से भी बनता है। आप चाहे तो मूंग दाल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक ले लिया है। ये नींबू का रस है, हमने 2 नींबू का रस ले लिया है। और ये 1 कप उड़द दाल है, इसको हमने 3-4 घंटे तक सोख करके ले लिया है और पानी को निकाल लिया है। और 1 कप उड़द की दाल है और 1 कप मूंग की दाल है, दोनों को हमने सोख करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च। तो पानी की जरूरत पड़ेगी तभी आप पानी डालिएगा, नहीं तो बिना पानी के ऐसे ही पीस लेंगे। ये हमने दाल को पीस लिया है। अब दाल को हमने पीसने के लिए 1 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। अब दाल को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, एकदम फ्लफी बनाना है। 4-5 मिनट तक हम दाल को ऐसे ही फेंट लेंगे। दाल को हमने 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। ये अच्छा फ्लफी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और काफी हल्का भी हो गया है ये। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमने बाउल में पानी लिया है, ये देखिए दाल पानी में तैर रहा है, दाल फिट कर रेडी हो गई है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और हम पानी बना लेते हैं। तो पानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पुदीना पत्ती डालेंगे, धनिया पत्ती भी डाल देते हैं, मिर्ची डालेंगे, अदरक डालेंगे, और यहाँ भुना जीरा पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे, ये सादा नमक डाल देंगे, काली मिर्च डालेंगे, हींग डाल देंगे और 1 टेबल स्पून पानी डालकर हम इसको सारे मसालों को हम पीस लेंगे। ये हमने सारे मसाले को पीस लिया है। अब एक बाउल में हम इसको डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। ये मसाले हमें 1 लीटर पानी के लिए बनाए थे, तो हम इसमें पानी डाल देते हैं। इसमें हमने सब कुछ मिला दिया, लेकिन खट्टे के लिए हमने अभी कुछ नहीं डाला। तो हम खट्टे के लिए ले रहे हैं ये नींबू का रस। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। जब आप सारे मसालों को पीस रहे थे तो वहां पर 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाल के पीस लीजिए। या तो इमली का पल्प भी ले सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून। आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम है तो नमक डाल दीजिएगा। तो ये हमारा पानी बनकर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं पकौड़े तलने की प्रोसेस में। यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया है गरम होने, और यहाँ बेटर में हम नमक भी डाल देंगे, नमक हमने नहीं डाला था अभी तक, और इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम पकौड़े तलेंगे। अब हम पकौड़े डालते हैं। तो पकौड़े तलने के लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए। सारे पकौड़ों को हम ऐसे ही डाल देंगे। ये हमने पकौड़ों को डाल दिया है तेल में, और पकौड़ों को सिकने में 5 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सिकने में। तो अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको हम सिक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो आप ये बना सकते हैं, फटाफट से बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो ये पकौड़े हमारे तल के रेडी हो गए हैं, अच्छे गोल्डन हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की रेसिपी आप तो मिलती रहे। तो हम गरम गरम ये पकौड़े पानी में डालेंगे। सारे पकौड़ों को हम डाल देते हैं पानी में।
और आधे घंटे तक हम इसको पानी में डूबे रहने देंगे ताकि सारे मसाले पकौड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। ऊपर से डाल देंगे पुदीना का पत्ती कटा हुआ, तो हमने पुदीना पीस के भी रखा था उसका भी स्वाद, और ये कटा हुआ उसका भी स्वाद बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में ये जरूर बनाइएगा, खासकर गर्मी के दिनों में बनाइएगा। गर्मी के दिनों में ये पेट को ठंडक देता है और पाचन में भी अच्छा रहता है। तो आप भी अपने घर में ये पकौड़ा पानी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।